वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और उसी आशा के साथ आज शुरू करते हैं आज का रेसिपी। आज एक हेल्थी रेसिपी करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ गाजर का जूस, सोचे कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपका फ्रेश गाजर लेना है। गाजर लीजिएगा एकदम ताज़ा फ्रेश, और इस गाजर को आप सिंपली छील लीजिएगा अच्छी तरह से धोने के बाद, और छोटे छोटे पीसेस में डाइस कर लीजिएगा। ये पीसेस ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा स्लांटिंग काटने है, स्क्वायर काटने है, ऐसा काटिए जो ग्राइंडर में डालने के बाद आसानी से वो ग्राइंड हो जाए। बड़े बड़े पीसेस डालेंगे तो ग्राइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। गाजर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, नहीं तो जूस नहीं आने वाला है। तो अभी मैं उसी को निकाल के स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। मैंने डाल दिया है पूरा गाजर, अभी उसको मैं थोड़ा हल्का सा प्रेस कर करके जूस पूरा निकाल लूँगी। और ये जो बचा हुआ जो गाजर है ये भी आपको फेंकना नहीं है, ये सिंपली आप गाजर का पराठा बना सकते हैं, गाजर का हलवा भी बना सकते हैं, टेस्ट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आता है। तो ये वेस्ट भी नहीं होगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। ये आ गया हम लोग का गाजर का जूस। आप चाहे तो इसको ऐसे ही सर्व कर दें, या तो इसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को इनका टेस्ट थोड़ा अटपटा से लगता हो उनमें थोड़ा नमक डालें, या तो थोड़ा नींबू निचोड़ के 2-3 ड्रॉप दे सकते हैं। अभी बनाएंगे भटूरे। भटूरे के लिए सिंपल से गेहूं का आटा, उसमें ले लेते हैं खट्टा दही, स्वाद अनुसार नमक, और उसके साथ ही साथ देते हैं बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और या तो इसके बदले में आप चाहें तो इनो भी दे सकते हैं। अगर दही का नाप चाहें तो आधा किलो में आप 200 से 250 ग्राम दही दे सकते हैं। इसको मैं पहले पानी से मिक्स कर लेती हूँ। दही और आटा मैंने कोई नाप से नहीं लिया है, मैंने अंदाज़न लिया है। देखिएगा जैसे हम पानी मिला देते हैं बेकिंग सोडा डालने के बाद, तो वहाँ पर बबल्स आना शुरू होगा, ठीक है। तो आप उसको पूरा आटा अच्छी तरह से मिक्स करके आटा को बना लीजिए और उसको साइड में रख दीजिए कुछ देर के लिए। और अभी साइड में हम कढ़ाई में ले लेते हैं तेल, तेल को अच्छी तरह से कर लेते हैं गर्म। अभी आटे को हम टोटल 8 हिस्से में भाग कर लेंगे। एक एक पार्ट को अच्छी तरह से रोल कर ले, कहीं भी तरह से क्रैक ना रहे, और उसको अच्छी तरह से छोटी छोटी पूरियों के आकार में बेल लें। अभी उसको हम तल लेंगे। हाँ देखिएगा तेल ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म होगा तो पूरियाँ एकदम सीधा लाल होकर ब्राउन हो जाएगा। सारे भटूरे तलेंगे। अभी देखिए हम एक भटूरा आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, अंदर देखिए कितने अच्छी तरह से जालीदार बना है। डीप फ्राई होने के बावजूद भी आपको दिखेगा अंदर कोई तेल नहीं है। तो अभी इसी के साथ बनाएंगे हम छोले, लेकिन छोले की जगह मैंने आज मटर यूज़ किया है। मटर मैंने पहले रात को भिगो के रखे थे। मटर को अच्छी तरह से साफ़ करके कुकर में डाल देंगे, और एक आलू छील के उसको छोटे छोटे पीस में कट करके उसी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। आप 1 या 2 आलू आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं। देखिए आलू को मैंने छोटा छोटा पीस कर ले रही हूँ ताकि मटर के साथ वो एकदम अच्छी तरह से पक जाए। अब इसी के साथ ही साथ डालेंगे हम पानी। पानी अगर गर्म हो तो ही अच्छा है, बॉइलिंग वाटर नहीं डालें, लेकिन थोड़ा बहुत गर्म तो इस क्या होता है विसल बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसके साथ ही साथ हम काट लेते हैं एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को एकदम पतला पतला जूलियंस में ही काटिएगा। अब साइड में कढ़ाई बिठा देते हैं, उसमें डालते हैं तेल। तेल आप वाइट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपके चॉइस में आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ किया वाइट ऑयल, और इसी के साथ साथ कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज का कर लेंगे हल्का सा फ्राई, ये लाइट ब्राउन ही फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाने दीजिए। ये प्याज को मैं थोड़ा हल्का हल्का फ्राई कर ले रही हूँ, देखिए ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब इसमें डालता है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा पानी। अब उसमें डालेंगे सूखे मसाले, ज़ीरा, धनिया, और इसके साथ डालेंगे मिर्ची। मिर्ची आपके टेस्ट के अनुसार ही डालें, और अब उसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। और मिक्स करते रहिएगा, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा, नहीं तो ये जो मसाला है वो जल जाने का चांसेस है, और जलेगा तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मिक्स करते साथ साथ आप पानी डालते जाइएगा। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें ताकि वो जो मसाला है वो जले ना। इसको भी थोड़ा पकने देंगे, और साथ ही साथ देंगे अभी हल्दी।
हल्दी डालने के बाद उसको भी फिर से मिक्स कर देंगे और थोड़ा उसको पकने देंगे। उसके साथ देंगे हम थोड़ा नमक। इस टाइम में हम पूरा नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो मसाला हम लोग बना रहे हैं वो सही तरह से नहीं बनेगा। तो आप नमक उतना ही डालें जितना वहाँ पर मसाला है। उसके साथ साथ हम डालेंगे किचन किंग मसाला। यहाँ पर मैंने हम 2 टीस्पून डाले हैं। उसको भी अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मसाला हम लोग का बन चुका है। उसमें डालते हैं हम लोग का बॉईल किया हुआ मटर और आलू, सारे हम डाल देंगे अभी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मटर अभी हमने डाले हैं पका हुआ मटर, वो मसाले के साथ अच्छी तरह से भूंज लेंगे, क्योंकि मसाले के साथ अगर पकाएंगे तो मटर में भी उसका मसाले का टेस्ट जाएगा। तो इसको एक ही साथ पकाएंगे। अभी पक चुका है। उसके साथ ही साथ हम डालेंगे कलर। ये फूड कलर ऑप्शनल है। फूड कलर देने से अट्रैक्टिव लगता है, बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। ऐसे भी ये टेस्टी बनेगा, फिर भी कलर बोलते हैं ना पहले दर्शनधारी, इसकी वजह से हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दें। आप चाहें तो इसको ना भी डालें, ये ऑप्शनल है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स और इसी के साथ इसको थोड़ा और पका लेते हैं। और इसको करेंगे आज हम सूखा सूखा, क्योंकि ये टिफ़िन में भेजेंगे, इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे। ग्रेवी ज़्यादा करेंगे तो टिफ़िन से लीक होके गिरने का चांसेस है। तो इसको अभी हम सूखा ले रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहे तो इसको सूखा ना रखें। इसमें और अभी यही टाइम है, इसमें आप पानी डाल सकते हैं, गर्म मतलब बॉइलिंग वाटर डाल सकते हैं, डाल के इसको थोड़ा और ग्रेवी बना सकते हैं। और मैंने इसमें अभी डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। अभी ये जो नमक हम डालेंगे, ये पूरा ग्रेवी अगर हो तो उसके हिसाब से नमक डालें। मैंने यहाँ पर सूखा बनाया, इसके हिसाब से मैंने नमक डाला है। तो ये मिल चुका, ये पूरा